गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अपने अपने घर पर मस्त होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि हमने हिंदी में पिछले वीडियो में बहुत अच्छी सी कहानी सुनी थी और उस कहानी से हमने सीखा भी था बहुत कुछ कि दांत को साफ रखना चाहिए, इससे अपने दांत में कीड़े भी नहीं होते हैं, हमको दर्द भी नहीं होगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके बाद फिर हमने पिछले क्लास में लेसन की ग्रामर पार्ट पूरा किया था, उसमें हमने मीनिंग्स पढ़े थे, नई चीज सीखी थी वन वर्ड, शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसके अलावा लिंग बदलो, वचन बदलो, राइट रॉन्ग सब कुछ सीख लिया था। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैम ने इतनी सारी छोटी छोटी चीज तो करा दी लेकिन क्वेश्चन आंसर तो कराए ही नहीं, ये तो लेसन बहुत अच्छा हो गया, इसमें क्वेश्चन आंसर ही नहीं करने पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने छोटे छोटे पार्ट में ही ये लेसन पढ़ा है, तो छोटे पार्ट में ही हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी सीखे हैं। पहले हमने ग्रामर पार्ट की थी, आज हम इसका पिछले वीडियो में ग्रामर पार्ट की थी, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आज मैं समझाऊंगी, अच्छे से वीडियो आप देखिएगा और फिर उसके पीडीएफ को देख देखकर उसको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा। होप सो आपने पहले वाले जो पीडीएफ आया था उससे ग्रामर पार्ट को पूरा कर ही लिया होगा। अब आज के दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे पेज पे लेसन नंबर 2 दांत का दर्द। फिर नीचे से शुरू करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखो। हिंदी में क्वेश्चन आंसर को क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो लिखते हैं राइट द क्वेश्चन आंसर, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, चंपू बंदर शहर क्यों जाना चाहता था। आप सबको ये क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लगेंगे क्योंकि आपने कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अच्छी तरह से कहानी याद हो गई है तो आपको इसके आंसर भी आराम से आ जाएंगे। चंपू बंदर शहर क्यों जाना चाहता था, डॉक्टर को लाने के लिए। तो आंसर लिखेंगे, डॉक्टर को लाने के लिए चंपू बंदर शहर जाना चाहता था। अब लिखने के टाइम आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने ये चंद्र का निशान है लेकिन ऊपर डॉट नहीं लगा हुआ है, तो आपको भी डॉट नहीं लगाना है। डॉक्टर को लाने के लिए चंपू बंदर शहर जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाथी ने चंपू बंदर को क्या समझाया। हाथी ने क्या समझाया था कि कौन डॉक्टर ऐसा होगा जो शेर का इलाज करने आएगा, शेर का इलाज करने भला कौन आएगा, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क था, इसलिए आंसर में भी लास्ट में हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क ही लगा देंगे। हाथी ने चंपू बंदर को यह समझाया कि शेर का इलाज करने कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा। हाथी ने चंपू बंदर को यह समझाया कि शेर का इलाज करने कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, शेर के दांत का दर्द कैसे ठीक हुआ। शेर के दांत में जो दर्द था वो कैसे ठीक हुआ, कोई उसने दवाई खाई या कोई डॉक्टर आया था, नहीं। आप सभी जानते हैं कि जब दो छोटी चिड़िया ने आकर शेर के मुंह में घुसकर उनके दांत से सारे कीड़े निकाले तो शेर के दांत का दर्द ठीक हुआ। चिड़ियों ने मुंह में घुसकर, क्योंकि शेर जब सोया तो उसका मुंह क्या रह गया था, खुला रह गया था, तो जब चिड़िया खुदक कर शेर के मुंह में गई और उन्होंने शेर के दांत से सारे कीड़े निकाल दिए तो शेर के दांत का दर्द ठीक हो गया। तो
हम आंसर लिखेंगे जब चिड़ियों ने शेर के दांत से सारे कीड़े निकाले, फिर कॉमा लगाएंगे, तब शेर के दांत का दर्द ठीक हुआ। जब चिड़ियों ने शेर के दांत से सारे कीड़े निकाले तब शेर के दांत का दर्द ठीक हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? जंगल के सारे जानवर क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके राजा शेर के दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। आंसर लिखेंगे जंगल के जानवर परेशान थे क्योंकि शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वापस एक बार सुन लीजिए, जंगल के जानवर परेशान थे क्योंकि शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन, शेर के दांत का दर्द किसने ठीक किया? शेर के दांत का दर्द किसने ठीक किया? चिड़ियों ने। किसने ठीक किया? चिड़ियों ने। आंसर लिखेंगे शेर के दांत का दर्द चिड़ियों ने ठीक किया। शेर के दांत का दर्द चिड़ियों ने ठीक किया। लास्ट क्वेश्चन, दांतों की सफाई न करने का क्या परिणाम होता है? परिणाम मतलब रिजल्ट। यदि आप दांतों की सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। हमने स्टोरी में बहुत बार ये सुन लिया है, 3 से 4 बार ये स्टोरी आपने सुनी है और घर में भी सभी आपको बार बार कहते हैं दांतों की सफाई करते रहो, तो सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? दांतों के अंदर कीड़े कलबल कलबल करेंगे और आपको बहुत परेशान करेंगे। हमको क्या करना चाहिए? रोज दांतों की सफाई करनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन था ये, दांतों की सफाई न करने का क्या परिणाम होता है? दांतों की सफाई न करने से दांतों में कीड़े हो जाते हैं। दांतों की सफाई न करने से दांतों में कीड़े हो जाते हैं। होप सो आपको ये अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब मैं साथ साथ पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से देख देख के अच्छे से आप अपनी हिंदी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।